الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله صدق الله العظيم मेरे मोहतरम बुजुर्गों अजीज दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु और मेरे प्यारे बहनों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। केरला एक ऐसा जगह जहाँ उर्दू ज़बान आपके जैसे मातृ ज़बान नहीं है, वहाँ से आ रहा हूँ, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए आपस में चीज़ें कम्युनिकेट करने के लिए ज़बान की ज़रूरत नहीं है, इस बात का दलील होगा मेरा आने वाला एक तकरीबन 45 मिनट्स का लेक्चर। अगर कुर्बत है, अगर मोहब्बत है, तो ज़बान का ज़रूरत नहीं है। जो हमारे जहन में है वो तमाम चीज़ मुखातिब तक पहुंचाना मुश्किल बात नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, रमज़ान के सबसे बावरकत लम्हों से हम लोग गुजर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में, ज़्यादा से ज़्यादा क़ुरान की तिलावत में गुज़रने के वक्त से हम लोग गुज़र रहा है, इसलिए ज़्यादा लंबा तकरीर करना मेरा इस वक्त इरादा नहीं है। कुछ चंद बातें ये महफिल के लिए ख़ास तौर पर आज के मुस्लिम उम्मत को सामने रखते हुए कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक दिन असर नमाज पढ़ने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हमेशा सहाबतों के साथ बैठते थे, ऐसा एक दिन सहाबत को सामने रखते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे थे। तकरीर के बाद एक सहाबी उठ के बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक सवाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे। वो सवाल ये था कि या रसूलल्लाह, ये जो मालदार लोग हैं जिसके पास पैसा बहुत है, वो लोग कितना खुशकिस्मती लोग हैं, लोग कितना खुशकिस्मत है, हाउ लकी दे आर। वो लोग, हम लोग जो गरीब लोग करते हैं वो तमाम जो सवाब के जो भी इबादत है वो तमाम चीज़ वो लोग करते हैं, लेकिन वो लोग हमसे एक चीज़ ज़्यादा करते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने पूछा उनसे कि क्या चीज़ ज़्यादा करते हैं, तो उन्होंने बताया वो हमसे एक चीज़ ज़्यादा करते हैं, वो ये है, वो लोग सदक़ा देते हैं, ज़कात देते हैं और सदक़ा देते हैं। तो इसलिए बाय बर्थ हम लोग अनफॉर्चुनेट हैं, हम लोग जो है बदकिस्मत लोग हैं, हम लोगों को वो सवाब मिलने का कोई जो है उम्मीद नहीं है, और वो लोगों को बाय बर्थ या जो है उन लोगों को ज़्यादा मालदार होने की वजह से एक चीज़ ज़्यादा सवाब देने का वजूहत उनके पास मौजूद है। बहुत बुनियादी सवाल है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। ने उस वक्त फरमाए कि आप जब हमद और सलात करते हैं, कुल्लु तहमीदिन सदका व कुल्लु तस्बीहिन सदका व कुल्लु तहलीलिन सदका,
आपके तहमीद हो या तहलील हो या तस्बीह हो, तमाम चीज सदका है। आप जो सोचते हैं ये जो पैसा देने का चीज ही सदका है, नहीं, आपके हर चीज सदका। और वसल्लम ने यह भी बताया, वला तबस्सुम कफी वजी अखी का सदका। आप अगर एक आदमी के, एक भाई के फेस में देख के उनसे अगर मुस्कुराते हैं तो वो भी सदका है। तो सब चीज सब लोग बहुत गौर से सुन रहे थे। वसल्लम उस वक्त और भी आगे बढ़े, अगर आपके वाइफ के साथ हम बिस्तर करते हैं तो उस वक्त वो भी सदका है, आपके वाइफ के साथ सेक्शुअल रिलेशनशिप भी सदका है। तो उस वक्त तक सब लोग बहुत जो है पेशेंस के साथ सब लोग सुन रहे थे, लेकिन उस वक्त एक आदमी को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सहाबा ने उठ के पूछा, या रसूलल्लाह, हमारे जो है वाइफ के साथ सेक्शुअल रिलेशनशिप, हम बिस्तर करना, ये एक बायोलॉजिकल नीड है, मेरा अपना एक जरूरत है। जैसा जब जो है पानी के लिए प्यास लगता है तो पानी पीना, जैसा मेरा एक बायोलॉजिकल नीड है, उसके लिए क्यों जो है सवाब का जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर सवाब फॉर दैट, बहुत जेन्युइन सवाल है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उस वक्त कि अगर आप यही चीज मुकम्मल करने के लिए, अगर एक हराम के जरिया आप अगर स्वीकार करते हैं तो वो आपके लिए पनिशेबल ऑफेंस होगा, आपको अल्लाह जो है एक पनिशमेंट देने के सबब होगा। वो सहाबा ने बताया वो तो होगा। तो अगर आप गलत करते वक्त आपको पनिशमेंट मिलेगा तो जरूर सही करते वक्त आपको सवाब मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। ये एक बहुत सही लॉजिक है। असल में रिलीजन, मजहब, दीन को जो बहुत कम समझते हैं, जो दीन मतलब आपके नमाज, आपके पैसा देने वाला सदका, आपके रोज़ा, ज़कात, हज, आपके इबादत, ये तमाम चीज़ सिर्फ है अगर एक आदमी समझते हैं। और एक आदमी अगर वो एक छोटा सा दीन के बारे में उनके जहन में तसव्वुर मौजूद है तो उस वक्त वो दीन के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल में रीडिफाइन किया नहीं, आपके जो है दीन मतलब उससे भी थोड़ा बड़ा है। एक हदीस ऐसा है, मुसलमान अगर मैं पूछते हैं मुसलमान कौन है तो हम बोलेंगे मुसलमान वो आदमी है, इस्लामी मुस्लिम समाज के अंदर 99% मुसलमान ये समझते हैं कि मुसलमान मतलब एक मुस्लिम अब्बू और अम्मी के नीचे अगर पैदा हो गया तो वो मुसलमान हो गया, या अगर उनको अरबी नाम अगर डाल दिया तो मुसलमान है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस इस तरीके से हमें सिखाया कि एक ज़माना आएगा, सयाती अला उम्मती ज़माना, मेरे उम्मत के लिए एक ज़माना आएगा, उस दिन जो है मसाजिद, जो बड़े बड़े मसाजिद हो के, मसाजिद हो आमिरतन वही खराबन अनिल हुदा, बड़े बड़े मसाजिद जो आसमान को छूम के रहेंगे, ऐसे बड़े बड़े जो है ऊंचे मसाजिद बने रहेंगे, लेकिन उस वक्त किसी को वो हिदायत का जरिया नहीं बनेगा मसाजिद। और वो ज़माने का एक दूसरा ख़ास बात यह होगा कि कुरान वो सिर्फ फॉन्ट्स में, लिपि में महदूद होगा। दुनिया के सबसे बड़ा कुरान, दुनिया के सबसे छोटा कुरान जो आप तम के ऊपर रख सकते हैं, कुरान सोने से लिखे होंगे, चांदी से लिखे होंगे, लेकिन वो कुरान लोगों के लिए एक हिदायत का, समाज के लिए एक हिदायत का जरिया नहीं बनेगा। और आगे बढ़ के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाए कि उस दिन मुसलमान के हाल ये हाल होगा कि सिर्फ नाम के बुनियाद पर वो लोग इस्लामिक आइडेंटिटी रखेंगे। एक आदमी से पूछा आपका नाम क्या है, बोलेगा मेरा नाम राम है। अच्छा, आप हिंदू है। आपका नाम क्या है, मेरा नाम जोसेफ है। अच्छा, आप क्रिश्चियन है। अच्छा, आपका नाम क्या है, मेरा नाम अब्दुल्ला है। अच्छा, मुसलमान है। आप दारू पीते हैं, मैं दारू पीता हूँ। आप तमाम चीज करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन आई एम मुस्लिम, आई एम एथनिक मुस्लिम, ऐसा बोलने वाला, आई एम लिबरल मुस्लिम, ऐसे बोलने वाला
एक समाज मुसलमान के अंदर या उम्मत खुद बदल के ऐसा समाज बदल के जो है आएगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है एक फोरकास्ट है। असल में दीन का मतलब क्या मुसलमान अरबिक नाम रहने का है? नहीं। अगर अल्लाह के सामने अगर आप झुके, अल्लाह को अगर आपके तमाम विल्स को अगर सबमिट करें, सुप्रीम सबमिशन का नाम है मुसलमान, तो नाम के बुनियाद पर मुसलमान नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो ये जो मुसलमान है, ये जो इस्लाम है, वो तारीख में क्या था? व्हाट वाज दिस इस्लाम एंड मुस्लिम्स? ये बहुत बुनियादी चीज है जो हम सीखने का जरूरत है। आज के मुसलमान और तारीख में मुसलमान क्या था? हाउ वाज मुस्लिम्स इन द पास्ट एंड हाउ वाज इस्लाम परसीव्ड इन द पास्ट? ये बुनियादी एक चीज है जो आज के दौर में रह के सीखने का जरूरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्म हो रहा है सेक्युलर हिस्ट्री में जो कहते हैं सबसे अंधकार, जो डार्क एजेस कहलाते हैं, उस जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म हो रहा है। और उस जमाने में इस्लाम के आखिरी पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का दावत करने शुरू कर रहा है, जब सेक्युलर हिस्ट्री भी डार्क एजेस कहा है। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बने हुए एक समाज जो मुस्लिम उम्मत के नाम से पुकारा गया, वो समाज क्या सिर्फ उसके पहले जो समाज था वही चीज कर रहे थे? आप जानते हैं वइदा सअलतुहुम मन खलक السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله, कुरान की आयत है। अगर मक्का मुशरिक से अगर आप पूछते हैं कि ये जो कमर है, ये सूरज है, ये तमाम चीज को कौन क्रिएट किया, तो वो लोग बोलेगा ये सब अल्लाह ने क्रिएट किया। ليقولون الله, कौन? मक्का मुशरिक। वो लोग बोलेगा अल्लाह ने क्रिएट किया है। वो लोग भी अल्लाह को माने थे, वो लोग भी हज करते थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाह लब्बैक ला शरीक लक इल्ला तमलिकु वमा मलक बोल के वो लोग भी लब्बैक अल्लाह बोल के जो है हज करते थे। वो लोग के लिए भी हज था। वो लोग भी एक तरीके से ज़कात भी देते थे और दूसरा तरीके से नमाज भी पढ़ते थे, वो सब चीज़ वो लोग करते थे। लेकिन अल्लाह के अलावा कुछ लोगों को सहारा बनाए थे, कुछ लोगों को सहारा बनाए। उनसे पूछा गया आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, बोले कि हम जो है अल्लाह के अलावा किसी को दुआ नहीं कर रहा है, बल्कि हमारे लिए यक़रिबुनल्लाह इल्लाही ज़ुल्फ़ा, अल्लाह के साथ जो है थोड़ा करीब में लाने के लिए कुछ लोगों का सहारा हम ले रहा है। यही था उनका मसला, ये कुरान में बोल रहा है। तो क्या ऐसा एक समाज में जो ऑलरेडी उनके पास अल्लाह के ऊपर बिलीफ है, ऑलरेडी नमाज पढ़ते थे, ऑलरेडी हज करते थे, ऑलरेडी ज़कात देते थे, ये तमाम चीज़ करते थे, ऐसा एक समाज में नहीं आप दूसरा तरीके से कर लीजिए बोलने के लिए क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल हुए या कुरान नाजिल हुए? नहीं। कुरान जब नाजिल हो इकरा बोल के शुरू किया और अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अलइस्लाम दीना बोल के जब ख़त्म किया, वो इस्लाम नहीं था जो मक्का मुशरिक के पास था, वो नहीं था। एक ऐसा दीन जो पूरा दुनिया और आखिर के जो है एक बड़ा रेवोल्यूशन का, एक आदमी के ये दुनिया और आखिर के दुनिया एक रेवोल्यूशन का सबब बन सकता है, एक बड़ा बदलाव का सबब बन सकता है, ऐसा एक आइडियोलॉजी के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को मुकम्मल किया। हमें बोलना चाहूँगा कि वो कुरान ने ये समाज में जो 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 रेवोल्यूशन पैदा किया उसके लिए एक छोटा जो है दलील, छोटा जो है एग्जाम्पल निशानदगी में करना चाहता हूँ। आज के दुनिया जिसमें हम रह रहा है उसके बारे में बोलते हैं 21st century इज अ सिविलाइजेशन ऑफ द वेस्ट। आज से नहीं बल्कि 17th century से दुनिया को जो गवर्न कर रहा है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। इट वॉज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। लेकिन ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो बुनियाद है, जो वेस्टर्न बोल रहा है, अक्सर लोग इसके बारे में जो रिसर्च करते हैं वो लोग बोल रहे हैं ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन होता ही नहीं, दिस इज नॉट अ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, नॉट एट ऑल, क्योंकि
वेस्टर्न सिविलाइजेशन होने के लिए उसके जो बुनियाद है वो वेस्ट से अगर आते हैं तो उसको हम कह सकते हैं ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये मगरबी तहजीब है? नहीं, ये तहजीब का जो बुनियाद है, तहजीब मतलब वो कल्चर नहीं बल्कि सिविलाइजेशन, उसका बुनियाद कहते हैं तीन है, देयर आर थ्री फंडामेंटल्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन। नंबर वन अलजीब्रा, नंबर टू अलगोरिदम, नंबर थ्री अलकेमी। ये तीन चीज है जो आज के दुनिया के वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो संगे बुनियाद कह सकते हैं, थ्री बेसिक पिलर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन। अलजीब्रा अगर नहीं है तो आपके लिए मॉडर्न फिजिक्स और मॉडर्न मैथमेटिक्स नहीं होता, अगर अल्गोरिदम नहीं होता तो कंप्यूटर और एनक्रिप्शन वगैरह नहीं होता, अगर जो है अल्केमी नहीं होता तो केमिस्ट्री नहीं है, अगर केमिस्ट्री नहीं है आप सोचिए ये सीमेंट नहीं, ये जो आयरन रॉड्स है इसके अंदर वो नहीं, ये जो आप जिसमें बैठे हैं कुछ भी नहीं है, डाई नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा केमिस्ट्री के ऊपर हम बैठे हैं, पूरा केमिस्ट्री के ऊपर ये पूरा समाज बना हुआ है। अगर मॉडर्न फिजिक्स और मॉडर्न मैथमेटिक्स नहीं होता तो ये तहजीब कैसा होता, आप जरा अंदाजा कीजिए। लेकिन अलजीब्रा कहाँ से आए, वेयर डिड अलजीब्रा कम फ्रॉम? इट केम फ्रॉम अलजबर वल मुकाबला, अलखवारिज्मी के किताब का नाम है अलजबर वल मुकाबला। अलखवारिज्मी जिन्होंने गोल्डन पीरियड्स ऑफ इस्लाम में लिखे थे अलजबर वल मुकाबला, अलजबर से अलजीब्रा आगे, और बोले कि ये जो है ये अलजबर से कोई रिलेशन नहीं है, अलजीब्रा। लेकिन आज भी अगर आप कोई भी एनसाइक्लोपीडिया आप लेके अलजीब्रा को आप फाइंड आउट कीजिए, वो दिखाई देगा छोटा अल्फाबेट्स में लिखे होंगे कि ये जो है इसके पीछे एक आदमी है जिसका नाम अलखवारिज्मी है। और अलगोरिदम, अलगोरिदम अलखवारिज्मी के नाम बदल के लैटिनाइज करके अलगोरिदम बनाया गया। अलगोरिदम वही किताब के अंदर अलगोरिदम के बुनियाद रखा गया, बीबीसी डॉक्यूमेंट्रीज में आप देख सकते हैं। अल्केमी 8वीं और 11वीं सदी के अंदर मुसलमान के अंदर ब्रॉन्ज रिलेटेड रिसर्चेस, जो ब्रॉन्ज को केमिकल रिएक्शन करते हुए क्या क्या मिलेगा इसके ऊपर जो रिसर्चेस थे उसको अल्केमी बोलते हैं, वहां से केमिस्ट्री बना था। देयर इज नो मॉडर्न मेडिकल साइंस विदाउट इब्न सीना एंड हिज बुक अल कानून फी तिब, अगर नहीं होता तो देयर इज नो मॉडर्न मेडिकल साइंस, देयर इज नो मॉडर्न ह्यूमैनिटेरियन साइंस, जो ह्यूमनिज्म बोलते हैं, ह्यूमैनिटेरियन साइंस जो बोलते हैं, वो नहीं होता अगर जो है मुकद्दमा इब्न खल्दून नहीं होता। तो मैं बोलूंगा आज के आपके आज के सिविलाइजेशन के तमाम डोमेन्स जो कंट्रीब्यूट किया था वो इस्लामी समाज या गोल्डन पीरियड्स ऑफ इस्लाम मुस्लिम सिविलाइजेशन या मुस्लिम जो है बाउंड्री के अंदर, मुस्लिम जो है समाज के बाउंड्रीज के अंदर बना हुआ था। और वो लोग एक ही वक्त अच्छा दीनी आलिम भी थे, उसी वक्त एक अच्छा साइंटिस्ट भी थे। आप जानते हैं तफसीरुल कबीर कौन लिखे? इमाम राजी। इमाम राजी ने तफसीरुल कबीर लिखे। लेकिन यही इमाम राजी, इमाम फखरुद्दीन राजी सिर्फ एक आलिम दीन नहीं थे, जो आज के कनोटेशंस में आलिम दीन सिर्फ नहीं था, बल्कि वो उसी वक्त एक बेहतरीन मेडिकल साइंटिस्ट थे। सबसे पहले जो ऑपरेशंस किए वो लिस्ट में जो है फखरुद्दीन इमाम फखरुद्दीन राजी मौजूद हैं। वो राजी रहमतुल्लाह ढूंढते थे कहाँ पर जो है सबसे कम बैक्टीरियाज मौजूद हैं। वो गोश्त को टुकड़ा टुकड़ा करके एक जगह पर रखते थे एक टुकड़ा, दूसरा जगह पर दूसरा टुकड़ा रखते हैं, दूसरा जगह पर तीसरा रखते हैं, अलग अलग जगह पर गोश्त का टुकड़ा रखते हैं और देखते हैं सबसे पहला कौन सा गोश्त का टुकड़ा जो है डिकम्पोज होता है और सबसे लास्ट कहाँ से डिकम्पोज हो रहा है। तो जहां से सबसे लास्ट डिकम्पोज हो रहा है वहां पर उन्होंने ऑपरेशन थिएटर कायम किया, ताकि एक आदमी को कट ओपन करते वक्त उनको जो है उनके बदन के अंदर कोई बैक्टीरिया ना जाए, डिकम्पोज हो ना जाए, उनको जो है नुकसान ना पहुंचे। ये बहुत पुराने जो है वाकया है, आज जो है उसके साइंटिफिक जो है डेप्थ के साथ बारे में जो है गुफ्तगू करने का जरूरत ही नहीं है। मैं बोलूँगा इमाम फखरुद्दीन राजी, वो सिर्फ नहीं, ये जो भी साइंटिस्ट आप इस्लामी दुनिया के बारे में आप कहेंगे वो तमाम लोग अच्छे आलिम दीन थे। आलिम, द वर्ड आलिम कम्स फ्रॉम द वर्ड आलम, द वर्ड आलिम कम्स फ्रॉम द वर्ड आलम। आलम मीन्स यूनिवर्स, ये दुनिया।
ये तो दुनिया के बारे में जो जानते हो, जो दुनिया और अल्लाह के बारे साथ जो कनेक्शन जानते हो, और मैं और मेरा समाज के बारे में जो जानते हो, वही जो है अच्छा आलिम थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त। लेकिन एक ज़माना आएगा, जो हदीस है सैयती अला उम्मती ज़मानन, उसमें ये भी कहा गया उलमाउहुम शर्रु मन तहत अदीमिस समा। उस वक्त के आलिम, उस ज़माने का जो आलिम होगा, वो आसमान के नीचे धरती के ऊपर सबसे बुरा लोग होगा। लेकिन उस वक्त इस्लाम के गोल्डन एजेस में खैरुकुम खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लदीन यलूनहुम सुम्मल लदीन यलूनहुम, सबसे अच्छा जो है सेंचुरी मेरा है, और उसके बाद फिर उसके बाद। ये जो सेंचुरी इसके जो आलिम थे, वो दुनिया के तमाम चीज़ जानने वाले लोग थे। पूरा जो है समाज, पूरा दुनिया उनके मुट्ठी में था, उनके पैर के नीचे था। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया मन قال لا اله الا الله دخل الجنه, उसके साथ साथ قولوا لا اله الا الله تدين لكم بها العرب وتخلو لكم بها العجم, आप अगर ला इलाहा इल्लल्लाह बोलेंगे तो आपको ज़रूर जन्नत मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो है ये जो अरब और अनरब नॉन अरब जो दुनिया है वो तमाम आपके पैर के नीचे आएगा। कैसे आएगा? अगर आप सिर्फ नमाज पढ़े, रोज़ा, मतलब उस तरीके का छोटा, सिर्फ नमाज के बारे में एक रेवोल्यूशनरी एटीट्यूड नहीं है। नमाज एक छोटा चीज़ है, जो दूसरे लोग पूजा करते हैं हम नमाज पढ़ते हैं, उसके अंदर कोई रेवोल्यूशन नहीं है। अब जो है ज़कात देते हैं आप, दूसरे लोग भी देते हैं, चैरिटी देते हैं, चैरिटी सबसे ज़्यादा दुनिया में चलता है। आप जानते हैं दुनिया के सबसे बड़ा चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन रेड क्रॉस है, वो क्रिश्चियन लोग चलाते हैं, हम भी देते हैं। लेकिन हमारे चैरिटी, हमारे रोज़ा, हमारे नमाज, हमारे ज़कात, ये तमाम चीज़ के अंदर स्पिरिचुअलिटी के आधार पर, प्योर स्पिरिचुअलिटी के आधार पर एक रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी है। उसको जब माने तो इतना बड़ा रेवोल्यूशन मुस्लिम उम्मत ने पूरा दुनिया में बर्पा किया, वो लोग देने वाले बन गया। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान का हिस्ट्री क्या है, अगर आप से कॉलेज क्लासरूम के अंदर, मुझसे पूछा गया था, मेरा साथ जो पढ़ने वाला एक बच्चे ने बहुत जेन्युइनली मुझे पूछा, अरे सुहेल तुम्हारे जो मजहब है, मजहब वाले हैं, वो लोग ये समाज के लिए क्या दिया, सिर्फ जो है बॉम्ब दिया मक्का मस्जिद में, वहाँ यहाँ यहाँ धमाका दिया, बहुत सारे लोगों को कत्ल किया, या आपने क्या किया, आपने क्या दिया, व्हाट डिड यू गिव। मतलब एक मुसलमान के अंदर जो है बहुत डीप ऑफ द हार्ट जो है दर्द देने वाला बहुत जो है शार्प क्वेश्चन है। आज के पूरा समाज हमसे पूछ रहा है आप समाज के लिए क्या दिया, क्या दे रहा है। हमने ज़रूर दिया है, मासूम सी जवाब हमसे आना है, हमने ज़रूर दिया है। आज क्या हो रहा है उसके बारे में हम लोग खुद जो है सोच रहा है, लेकिन ज़रूर हमारे जो पास्ट था हमने बहुत सारे चीज़ दिया है। हिंदुस्तान मुसलमान ने दिया, वी हैव गिवन इस्लाम, द इस्लामिक आइडियोलॉजी और द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम ने हिंदुस्तान को दिया, इंडिया को दिया। ये एक बहुत जो है प्लेन क्लेम नहीं है, दिस इज नॉट ए ब्लाइंड क्लेम। जवाहरलाल नेहरू अपने किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में साफ साफ तौर पर लिखा, जब हिंदुस्तान के अंदर रजवाड़ा आपस में लड़ रहे थे कास्ट के बुनियाद पर, आपस में जब लड़ रहे थे, जो बाहर से आए एक कौम मुगल लोग, वो लोग आके ये रजवाड़ा से, ये कास्ट के बुनियाद पर लड़ने वाला समाज से बोला, नहीं आप ऐसा लड़िए मत, आप लोगों के ऊपर जो है जन्म के आधार पर, पैदाइश के बुनियाद पर, आप एक आदमी सुप्रीम और दूसरे आदमी इन्फीरियर नहीं बनेगा, आप सब लोग एक ही आदम का बच्चे हैं। ये जो है संगे बुनियाद पर, हम ये नहीं बोलते हैं कि ये जो मुगल लोग हैं बहुत बड़े इस्लामिस्ट लोग हैं, नहीं है। लेकिन वो लोग जो आइडियाज लेके आए वो मुसलमान के और इस्लाम के बुनियाद पे था। वो लोग बोले आपस में लड़िए मत, और हमारा जो किंगडम होगा, दिस वेरी किंगडम ऑफ मुगल एम्पायर विल नॉट डिस्पर्स, विल नॉट डिस्पर्स द एक्सिस्टिंग रजवाड़ास, उन लोगों को जो ख़त्म करके, वाइप आउट करके वहाँ एक नया एम्पायर कायम नहीं करेगा, जैसा ब्रिटिश लोग ने बाद में किया था। हम यहाँ से कुछ भी चीज़ जो है चोरी करके लेके नहीं जाएगा, आपके स्पाइसेस, हैदराबाद के मसाला, ये तमाम चीज़ लेके ब्रिटिश में लेके नहीं जाएगा।
हम जो है यही के लोग बन के यही जिंदगी बिता के यही मरेंगे और यही के समाज के जो है भलाई के लिए काम करेंगे, ऐसा मुगल ने कहा। और मुगल लोग ने यहाँ आके समाज के लिए बहुत सारे चीज दिया, उसमें सबसे बड़ा चीज द पेट्रिफिकेशन ऑफ कास्ट को खत्म किया, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं। और उसी बुनियाद पर हिंदुस्तान एक मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। ये समाज को एक बाउंड्री के अंदर लाया था, ये नेहरू बोलते हैं। हिंदुस्तान को मुसलमान ने दिया। बाबर एक ऐसा नाम है जो सबसे ज्यादा जो है बदनाम किया गया, जरूर उन्होंने गलत काम किए होंगे, अगर है तो वो हम क्रेडिट करना चाहिए। लेकिन बाबर अपने आप जानते हैं पूरा मुगल सल्तनत के जो है पहला दौर में आए हुए फर्स्ट एम्परर थे। उन्होंने लिखा अपने तुजू की बाबरी, जो बाबर के डायरी जो बोलते हैं, आज भी दिल्ली में म्यूजियम के अंदर वो जो है रखा गया है। उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर दाखिल होने के बाद जो भी कुछ हुआ है वो तमाम चीज़ अपने डायरी में लिख कर के रखे कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, हमने ये देखा, हमने ये समाज के अंदर ये चीज़ देखा, हमने ये चीज़ सही किया। ये तमाम चीज़ उन्होंने अपने डायरी में लिख कर के रखा था। उसमें कुछ पेजेस आज गायब है, जरा सम पेजेस मिसिंग। आप गेस कर सकते हैं कौन सा पेजेस है वो, जो पेजेस में बाबरी मस्जिद के बारे में लिखने के लिए लिखा था उन्होंने, तकरीबन 12 पेजेस उसमें से गायब है। आज वो तुजू की बाबरी में वो पेजेस आप नहीं देख सकता जो उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने के बारे में जो लिखा था, वो साइड में रखें। मैं बोलना चाहूँगा बाबर ने लिखा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान आने के बाद आते वक्त यहाँ के समाज को अच्छा खूबसूरत अंदाज में घर मकान बनाना नहीं जानता था। ये समाज को एक जो है अच्छा फाउंडन, जो नेचुरल फाउंडन होते हैं, आप देखे होंगे ताजमहल में, हुमायूं टॉम्ब में, यमुना से पानी आते हैं और वही फोर्स से पानी ऊपर आ जाता है, वही फोर्स नेचुरल फाउंटन से, वो टेक्नोलॉजी वो लोग नहीं जानते थे। ये समाज को खूबसूरत अंदाज में यहाँ के लड़कियों को, औरतों को अच्छा कपड़ा पहनना नहीं जानता था। वो लोग एक बड़ा जो है कपड़ा अपने पैर के अराउंड बांध ये करते थे, बाइंड करते थे और एक ऐसा अपने सर के ऊपर ओढ़ते थे, ये उनका तरीका था। और अक्सर चीज़ बाहर था, अक्सर जो है पार्ट्स बाहर से दिख सकता था। लेकिन उनके लिए अच्छा ड्रेस कोड सलवार खमीज हमने सिखाया। ये समाज को अच्छा हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स बनाना नहीं जानता था, जो दो आम के पेड़ को एक साथ बांध के एक अच्छा वैरायटीज ऑफ क्रॉप बनाना, हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ आम का पेड़ या जो भी हो बनाना नहीं जानता, ग्राफ्टिंग नहीं जानता था। ग्राफ्टिंग हमने सिखाया उनको। रात में निकलते वक्त वो लोग कैसे बाहर जो है रोशनी लाना है वो नहीं जानता था, लेकिन बाहर निकलते वक्त कैंडल जो होता है वो कैंडल कैसे जलाना है, और कैंडल टेक्नोलॉजी हमने उनको सिखाया। बर्फ बनाना नहीं आता था, हमने बर्फ बनाना सिखाया, बर्फ कंप्रेसर से नहीं, नेचुरल मेथड से बर्फ बनाना सिखाया। ये तमाम चीज तुजू की बाबरी में उन्होंने लिख रहा है। मैं बोल रहा हूं एक जमाना था, बहुत करीब था वो जमाना, जो हम देने वाले थे लेकिन अचानक हम लेने वाले कैसे बन गया, अचानक कटोरा हमारे हाथ में कैसे हो गया, कुछ दे दो, यहाँ कुछ रिजर्वेशन दे दो, वहाँ कुछ सीट दे दो, हमें कुछ जो है स्कॉलरशिप दे दो, बोल के जो है कटोरा लेके घूमने वाला एक समाज हम कैसे बन गया, अचानक ये जो है हादसा, ये उलट कैसे हो गया, ये आप अगर सोचते हैं मैं बोलूँगा उसका जवाब इस्लामी समाज के अंदर, इस्लामी हिस्ट्री के अंदर मौजूद है। जब 1924 के बाद, 1924 मार्च 23 एक हिस्टोरिक डेट है जो हम कभी भूल नहीं सकता, 1924 मार्च 23 वो डेट था कब, जब खिलाफत एंड हुआ था, जब खिलाफत का एंड हुआ था, खिलाफत सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड से खिलाफत एंड हो गया, फिनिश। उसके बाद आप जानते हैं पूरा नेशन स्टेट्स कॉलोनियल दौर शुरू हो रहा है, और कॉलोनियल दौर के आखिरी वक्त जो है 1930s, 20s, 40s में वगैरह अलग अलग दुनिया के अलग अलग जगह पर हो रहा है, उस वक्त सेक्युलरिज्म एक नया दौर क्रिएट कर रहा है, सेक्युलरिज्म जिसमें यह सीखा गया
الدين لله والوطن للجميع الدين لله والشرع للشعب. یہ ایک نعرہ تھا جو اسلامی سماج کے اندر اس وقت اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کیا تھا وہ؟ الدین للہ والوطن للجميع. دین اللہ کا ہے اور سماج اور ملک کس کا ہے؟ وہ کس کا ہے؟ سماج کا ہے. یہ ملک سماج کا ہے اور دین اللہ کا ہے. یہ اس کے پہلے آپ جانتے ہیں 17th century میں یوروپ میں یہی جو ہے سلوگنز اٹھ گیا تھا یوروپ میں. وہ لوگ اس وقت بول رہے تھے جو جیسس کو ہے وہ جیسس کو ہے, اور وہ جو ہے قیصر کو سیسر کو جو ہے وہ سیسر کو ہے. ایک ورڈ ہے جو ایک سینٹنس ہے جو بائبل کے اندر موجود ہے, اس میں بولتے ہیں جو جیسس کو ہے وہ جیسس کو ہے اور جو سیسر کو ہے وہ سیسر کو ہے. مطلب جیسس اور سیسر الگ ہے. جیسس اللہ, گاڈ, اسکرپچر, قرآن, یہ تمام چیز ایک طرف, اور جو ہے آپ کے سیسر سماج, ملک, سویلائزیشن, یہ تمام چیز جو ہے دوسرے طرف ہے. یہ دو چیز کھنڈن کیا گیا ہے, دو چیز الگ الگ ہے. یہی سلوگن عربی میں, عرب دنیا میں الدین للہ والوطن للجميع یہ آ گیا. وقف پارٹی آپ جانتے ہیں, وہ ہسٹری کے پاس میں نہیں جا رہا ہوں, میں بولوں گا اس زمانے سے شروع ہے. ہم یہ سمجھنے لگا کہ قرآن مطلب آپ کے جو ہے صرف اور صرف آپ کے آخر کے نجات کے لیے, یہ دنیا کے نجات کے لیے نہیں ہے. یہ دنیا کے اندر جو بھی روہنگیا ہے, جو بھی آسام ہے, جو بھی سماج ہے جہاں سپریشن چل رہا ہے, وہ سپریشن کے بھی جو ہے سولیوشن اس کے اندر موجود ہے. یہ ہمارا سماج نہیں سیکھا. جب یہ نہیں سیکھا تو یہ جو مسائل ہے وہ کھڑا ہو گیا. مسلمان جو ہے لینے والا بن گیا دینے کے بجائے. میں بولوں گا کہ نوجوان سب لوگ موجود ہیں, کوئی یہاں نوجوان کے علاوہ کوئی نہیں ہے, سب لوگ نوجوان ہیں, باہر سے نہیں تو اندر سے. وہ یہاں کے جو ہے نماز سے, آپ کے جو ہے یہاں کے ذکر اور اوراد سے سب معلوم چل رہا ہے. کتنے بھی جو ہے ایج لوگ ہو, جتنے بھی بوڑھے ہو, وہ لوگ جو ہے یوتھ سے زیادہ انتھوسیازم کے ساتھ جو ہے پورا نماز پڑھتے ہیں, جو ہے 23 رکعت پورا پڑھتے ہیں. نوجوان 8 پڑھ کے چلا جاتا ہے. یوتھ فلنس جو ہے یہاں کے جو ہے اولڈ لوگوں کے پاس بھی موجود ہے. میں بولوں گا یہ نوجوان ہم سب لوگ سیکھنے کا وقت ہے کہ ہم کیسے کریکٹ کریں. ہاؤ شال وی کریکٹ اور پرزنٹ اینڈ دا فیوچر. پاس تو اچھا ہے, پاس تو زبردست تھا, لیکن آج ایسا ہو گیا, کیسے صحیح کریں گے؟ یہ ایک پوائنٹ ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دوسری بات, 3 پوائنٹس آپ کے سامنے میں رکھوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی سماج ایک ایسا سماج ہے جو ڈائیورسٹیز کو, جو سماج کے اندر جو بھی ڈائیورسٹیز ہے وہ ڈائیورسٹیز کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. ڈائیورسٹی کو کیا بول سکتے ہیں؟ ڈائیورسٹی, جو ریلیجیس ڈائیورسٹی ہے, ایتھنک ڈائیورسٹی ہے, لنگوسٹک ڈائیورسٹی ہے, انتشار. یہ انتشار کو اسلام نے قبول کیا ہے, انتشار کو اسلام نے قبول کیا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. اللہ اگر اللہ چاہے تو پورا سماج کو ایک سماج بنا سکتا تھا, ایک سماج, پورا دنیا اللہ کو عبادت کرنے والا ایک سماج بن سکتا تھا, لیکن اللہ نے یہ سماج کے اندر ڈائیورسٹیز بنایا, مختلفین, اور اس کو یزالون مختلفین, اس کو جو ہے بڑھاتے رہیں گے, یہ ڈائیورسٹیز جو ہے بڑھتے رہیں گے. یہ جو ہے عقیدہ کے بنیاد سے نہیں, بلکہ ڈائیورسٹیز, آپ کے جو ہے عقیدہ, آپ کے رنگ, آپ کے ایتھنسٹی, آپ کے جو ہے زبان, یہ تمام چیز اسلام نے اس طریقے سے دیکھا ہے. اسی لیے اسلامی سماج کے اندر ہمیشہ ڈائیورسٹیز موجود تھا. ہمارے اوپر سب سے بڑا کرٹیسزم, اسلام کے اوپر سب سے بڑا آج کے ویسٹ کا کرٹیسزم یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ڈائیورسٹی کو نہیں مان سکتا. آپ کے اندر وہ الاسٹیسٹی موجود نہیں ہے, آپ کے اندر وہ جو تمام جو ہے ڈائیورسٹیز کو ماننے کا جو وشال ہردے ہے وہ آپ کے اندر موجود نہیں ہے. یہ سب سے بڑا کرٹیسزم ہے اسلامی سماج کے اوپر. میں بولوں گا نہیں, اسلامی سماج, کلاسیکل اسلامک ہسٹری کب تھا؟ جب مدینہ اسٹیٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے تھے. مدینہ اسٹیٹ کیا تھا؟
क्या मुसलमानों का एक पाकिस्तान था मदीना स्टेट? नहीं, कभी भी मदीना स्टेट इट वॉज नॉट अनदर पाकिस्तान। सिर्फ मुसलमान के बुनियाद पर, मुसलमान के नेशनहुड के ऊपर बना हुआ एक मुल्क नहीं था, मुस्लिम नेशनहुड के ऊपर बनाया हुआ जो है मुल्क नहीं था मदीना स्टेट, बल्कि क्या था, मदीना वॉज अ प्लूरल स्टेट। बनू कैनुका, बनू नलीर, बनुल मुस्तलिफ, बनू नलीर, ये तमाम जो है तकरीबन बड़े बड़े यहूद सोसाइटीज, ट्राइबल्स इसके अंदर मौजूद था, बड़े बड़े यहूद ट्राइब्स। लतजिदन अशदुन्नास अदावतुल लदीन आमनुल यहूद वल्लदीन अशरकु, कुरान की आयत है, लतजिदन अशदुन्नास अदावतुल लदीन आमनुल यहूद वल्लदीन अशरकु, आपके लिए सबसे, आपसे सबसे ज्यादा बगावत करने वाला लोग कौन है, यहूद है और मुशरिकीन है। लेकिन यही यहूद को जो है हाथ पकड़ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मदीना स्टेट कायम किया। बनू कुरैला, बनू कैनुका, बनू नलीर, बनू मुस्तलिफ, ये तमाम यहूद समाज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ मिला के बोले कि ये सब जो है मिला के इन्न हाजा उम्मतुकुम उम्मतम वाहिदा। पहला कॉन्स्टिट्यूशन, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एवर रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, कौन सा था पहला कॉन्स्टिट्यूशन? अमेरिका में नहीं लिखा गया, पहला कॉन्स्टिट्यूशन मदीना पैक्ट था। आप जानते हैं सेक्युलर हिस्ट्री में भी लिखा गया, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एवर रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, वो मदीना स्टेट के मदीना पैक्ट है, जो तकरीबन 12, 13, 14 पॉइंट्स है। तो आज भी अगर आप जो है देखते हैं तो मदीना पैक्ट आपको मिल जाएगा। उसके पहला पॉइंट है इन्न हाजा उम्मतुकुम उम्मतम वाहिदा, ये उम्मत एक उम्मत है, दिस इज वन नेशन, उम्मत नेशन, दिस नेशन इज वन नेशन। कौन सा नेशन? जिसके अंदर मुसलमान है, जिसके अंदर यहूद है, क्रिश्चियंस भी था, माइनॉरिटीज था, ये तमाम समाज मिलके ये जो है ये एक नेशन है। और कुछ किताबों में बहुत तफसील के साथ ये लिखा गया कैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ के राजा बने या वहाँ के अमीर बने, कैसे वहाँ के खलीफा बने। क्या मुसलमान सिर्फ चुना? नहीं, बल्कि पूरा समाज, वहाँ के पूरा समाज मिलके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना कि ये हमारा नेता है, ये हमारा खलीफा है, ये हमारा अमीर है। ये सिर्फ मुसलमान का चॉइस नहीं, ही वॉज इलेक्टेड बाई चॉइस, बट ही वॉज नॉट इलेक्टेड बाई चॉइस ओनली बाई द मुस्लिम्स, ही वॉज इलेक्टेड बाई चॉइस बाई द होल कम्युनिटी। उसमें उसके ऊपर जो है कोई आयत नहीं नाजिल हुआ कि आप ही इसका अमीर हैं। मैं बोलना चाहूंगा कि ये समाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना स्टेट कायम किए और मक्का के समाज जब भूखे मर रहा था, आपको जानते हैं जब मदीना कायम करने के बाद 2 साल बाद, वहाँ 1 साल बाद बड़ा फैमिन आ गया, बड़ा फैमिन आ गया मक्का में, लोग खाने के लिए खाना नहीं था और वो लोग जो है मर रहा था, खाने नहीं था, भूखे मर रहा था। उस वक्त वेलफेयर स्टेट जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना स्टेट है, यहाँ से खाना भेजने के लिए बोला, किसको? किसको? जो इसराफिल ने आके पूछा, एक मलाइका जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके पूछा कि क्या इनको मैं तबाह करूँ पूरा तरीके से, दो जबल के बीच में पूरा क्रश करके एक समाज को पूरा ख़त्म करो, जैसा नूह को, सौली अलैहि सलाम के समाज को, समूद अलैहि समाज को, ये तमाम चीज़ को ख़त्म किए थे? बोला नहीं, वो लोग जो है जाहिल है, उसमें से एक आदमी अगर निकले अच्छा तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो समाज को जो इवन मलाइका ने पूछा कि ख़त्म करे, उनको जो है यहाँ से खाना भेजे, कौन? मदीना वेलफेयर स्टेट, यहाँ से खाना भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़ते वक्त, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना स्टेट के अंदर खलीफा होते वक्त जो डॉक्टर था वो अब्दुल्ला जो है एक क्रिश्चियन थे, सकफी, अम्र बिन कंदन सकफी जो है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्रिश्चियन डॉक्टर थे, क्रिश्चियन था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम अबू बकर सिद्दीक जब मक्का से मदीना जा रहे थे तो अब्दुल्लाह इब्न उरैकिद एक गैर मुसलमान था जो रास्ता दिखाया, उनसे पूछा रास्ता कहाँ मदीना के लिए, बोले हम दिखाते हैं कैसा जाना है, वो काफिर है, मुशरिक है, उनसे उनको छोड़िए, ऐसा नहीं, बल्कि उनसे पूछा, बोले हम दिखाते हैं और आप जो गए रास्ता जो है वहाँ का अगर आपके फुटप्रिंट्स अगर आ गया तो आपके जो शत्रु है वो लोग पीछे कर सकता है, इसलिए वो फुटप्रिंट्स को मैं पूरा तरीके से साफ करता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न उरैकिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना स्टेट जब कायम किए जो है बगदाद में एक गवर्नर को भेज रहा, अम्र बिन उमय्यत दमरी, ये एक मुसलमान नहीं था बल्कि गवर्नर एक क्रिश्चियन था, एक गैर मुसलमान था।
क्रिश्चियन नहीं था, गैर मुसलमान था। अम्र बिन उमय्यत दमरी एक गैर मुसलमान को गवर्नर होकर भेज रहा है बगदाद में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात होते वक्त अपने जो जो शील्ड था, शील्ड को क्या बोलते हैं, जो जंग करते वक्त पहनने वाला शील्ड है, जरा वो चीज एक यहूद के पास मौजूद था। ये डिफेंस का शील्ड एक यहूद के पास दिया गया था, बहुत पॉपुलर वाक्य, बहुत जो है जानने वाला, सब लोग जानते हैं। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अबू बकर जो है मक्का से मदीना हिजरा जाने के जब तैयारी कर रहा था, तो इब्न दुगना एक मुशरिक बोल रहे हैं कि आप यहां से मत जाइए, आप जैसे लोगों का जरूरत है मक्का को। कौन? इब्न दुगना, एक गैर मुसलमान। कैसे ये हासिल हुआ, कैसे एक समाज पूरा इस्लामी समाज को बाई चॉइस अपना नेता बनाते हैं, स्वॉर्ड से नहीं, स्वॉर्ड के बल पर नहीं, तलवार के बल पर नहीं, बल्कि बाई चॉइस वो लोग जो है मुसलमान को एग्री कैसे किया। आज के हाल ये है, मुझसे एक गैर मुसलमान दोस्त, मेरा क्लासमेट बोले कि आपके जो जो मसाजिद है उसके पास खड़ा होते वक्त थोड़ा डर आता है। तो उनसे पूछा क्यों, इसलिए कि आपके जो मीनारट है वो भी देखते हैं मिसाइल जैसा। एक मुसलमान एक जो है टेंपल के पास अगर जाते हैं तो टेंपल के पास गैर मुसलमान के पास, उनके टेंपल के पास जब रहते हैं तो मुसलमान को डर है, क्योंकि उनके बारे में हम नहीं जानता, हमारे बारे में मुसलमान नहीं जानता। एक वाकया बेंगलुरु में हुआ था, आपके करीब है यहाँ। वो वाकया ऐसा है कि ऐसा ही एक जो है शान वाला एक बड़ा मस्जिद, ये मस्जिद में सब लोग नमाज पढ़ने के लिए, सुबह नमाज पढ़ने के लिए आए। तो फजर नमाज के बाद वो लोग बाहर निकलते वक्त, बाहर हाउस का, हाउस जो वजू करने का हाउस, उसके करीब में एक सुअर के सर डाला गया। आप जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर सबसे, गुजरात के बाद सबसे ज़्यादा कम्युनली जो है पोलराइज्ड समाज है बेंगलोर और मैंगलोर वगैरह कर्नाटक में। वो समाज के अंदर मुसलमान के गली के अंदर, मुस्लिम मस्जिद के अंदर, हाउस के पास एक सुअर के गोश्त, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये क्या है, सुअर के गोश्त मस्जिद के अंदर, ज़रूर कोई ना कोई शरारती किया है। मुसलमान ने वो दिन फजर के जो नमाज़ पढ़ते वक्त निकलने के वक्त, वो जो है वो जुमा के दिन था, सब लोग जुमा नमाज पढ़ने के लिए जब आए तो वहाँ के मौलाना उससे ज़्यादा लोगों को भटकाने वाला तकरीर भी किए वहाँ से, जैसा कि हमेशा होता है। उन्होंने ज़ोरदार तकरीर किया, ये जो हुआ है बहुत बड़ा जुल्म हुआ मुसलमानों के अंदर, वो हुआ, बड़ा तकरीर किया। मुसलमान पूरा बाहर निकले, पूरा शिद्दत के साथ, पूरा जो है ईमान के बल के साथ बाहर निकले और अल्लाहु अकबर बोल के इस तरफ से जो है पत्थर लेके पूरा तोड़फोड़ करने शुरू किए गैर मुस्लिम सॉफ्टवेयर शॉप्स के ऊपर। आप जानते हैं बेंगलोर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर दुकान बने हुए हैं, आप नॉन मुस्लिम्स देखे, यहाँ नॉन मुस्लिम्स के वो है, वो तोड़ दिया। तो वहाँ से वो लोग भी इकट्ठा हो गया इन लोगों के खिलाफ, यहाँ से बोले कि अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, वहाँ से जय श्री राम, उस तरफ से उनके जो है ये बोल रहा है, दोनों तरफ से दो तरह का नारे लगा के आगे बढ़ रहा था। तो उस वक्त अचानक बहुत करीब में जब पहुँचा, तब जब जंग के जो क्रूशल टाइम था, जो जंग होने वाला था, उस वक्त जो ऑपोजिट वाला जो समाज है, जो जय श्री राम बोल के जा रहा था, सब लोग भाग गए, कोई भी नहीं रहे, सब लोग भाग गए। तो मुसलमान बहुत जो है खुश हो गए, हमारे ईमान के बल पर पूरा समाज जो है डर के खौफ से यहाँ से भाग गए। लेकिन नेक्स्ट डे पूछा गया कि क्यों हम लोग कल जो है आपस में जो है लड़ाई करने का, कत्ल करने का, खून जो है ये बहाने का एक वक्त जब पहुंचा तो आप लोग क्यों भागे। बोले कि आप लोग जब करीब पहुंचे तो हमने सुना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जो आप लोग जो है बकरा और जो है ये करते वक्त, बकरा और इसको ज़बा करते वक्त जो करते हैं वो हम सुना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हम सोचे कि ये बहुत बुरा हाल आने वाला है। इसलिए गैर मुस्लिम समाज
इस्लाम के अल्लाह अकबर जब आजान सुनते हैं वो लोग जरूर ये जो है समझते होंगे कि मस्जिद के अंदर अल्लाह अकबर बोल के हर वक्त 5 वक्त जो है ज़बा कर रहा है, ये एक जो है जोक नहीं है। मेरे पास कमला कांत दास एक जो है मेलबर्न यूनिवर्सिटी के टेररिज्म के ऊपर और जो है मुस्लिम जो है गेटोस और पुलिस रिलेशनशिप के ऊपर जो PhD तैयार कर रहे हैं, वो हमारे बटला हाउस में, आप जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा मुस्लिम गेटो है, मतलब जो जाने माने हैं बटला हाउस, तो बटला हाउस में यह आके रह रहे थे। मैं उनसे पूछा कि आप अगर मुसलमान सुनते हैं, अगर आपके समाज या ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है, झारखंड के ब्राह्मण है, अच्छा अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, उनसे पूछा कि आप अगर मुसलमान सुनते हैं तो आप क्या, आपके जहन में क्या आता है या आपके समाज किस तरीके से नेगेटिवली इसको परसीव करते हैं, वो सुनने के लिए मुझे जो है इरादा है। तो उन्होंने बोला मैं बोलना है, मैं बोला बोलना है। तो उन्होंने बोला कि हम अगर मुसलमान सुनते हैं, मुस्लिम समाज के बारे में अगर हमारे जहन में पिक्चर आते हैं, तो नंबर वन हमारे जहन में आते हैं कि आपके जो आपको जो सिखाया गया कि मुसलमान के अलावा दुनिया में सब लोग काफिर हैं, वो काफिर को कत्ल करना आपका जिम्मेदारी है, ये हमारे जहन में पहला आता है। मुसलमान के अलावा सब लोग काफिर है और काफिर को कत्ल करना आपका हुक्म, आपके ऊपर हुक्म है, ये नंबर वन हमारे जहन में आते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, उन्होंने बताया दूसरा ये है कि मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज है जो सिर्फ मुसलमानों को मिलता है, उनके जो सर्कल होगा वो सिर्फ मुसलमान होगा, मुसलमान के अलावा किसी से उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये हमारा दूसरा बड़ा परसेप्शन है मुसलमान के बारे में कि वो अपने मुसलमान के जो है एक सर्कल के अंदर ही वो लोग घूमेगा, उसके अलावा कहीं भी नहीं घूमेगा, हमें कुछ नुकसान हुआ तो उनका केयर नहीं है, हमें कुछ जो है अगर अगर बीमार पड़ गया तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम है, वो मुसलमान नहीं है, इसलिए मुसलमान नहीं है तो क्या है, इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिक नजस है, जैसा जो है आपके यूरिन है, आपके जो है जो जो नजस होता है वो नजस है, मुशरिक मुशरिक ऐसा समझते हैं मुसलमान, और इसीलिए मुसलमान के बारे में उनका परसेप्शन है कि आप लोग आपस में हिंदू लोगों को मिलते नहीं हैं। तीसरी बड़ा चीज़ यह है कि आप लोग कोई रूल को मानते नहीं, आप लोग अबव रूल्स हैं, कभी भी एक समाज का एक मुल्क का रूल को आप नहीं मानते, आप लोग रूल को मानने वाला लोग नहीं है, ये एक तीसरा बड़ा परसेप्शन है। चौथा बड़ा परसेप्शन ये है कि आप लोग अपने औरतों को दबा के रखते हैं, औरतों को, औरत जरूर ये सुन रहे होंगे, आप जानते हैं औरतों को दबाते हैं, ये जो वेस्टर्न एलिगेशन है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है शिद्दत के साथ या जो है सही आर्ग्यूमेंट्स के साथ जो उठ खड़ा था एक नाम है, जो वेस्ट में आज जो है कोर्ट रूम्स के अंदर बलात्कार और तमाम चीज करने के बाद वो अंदर मौजूद है, वो लेडी का नाम मैं भूल रहा हूं। आज भी मुस्लिम उम्मत के अंदर ये लेडी एक जो है एक मौजूए गुफ्तगु है, इस्लामी समाज के अंदर आफिया आफिया जो बोलते हैं US में, वो आफिया आज कैद के अंदर है, टेररिज्म उनके ऊपर एलिगेशन है, और वो आप जानते हैं आफिया के 1991-1992 वगैरह के उनके जो तकरीर है, जो वेस्ट इस्लाम के ऊपर जो थोपा है उसको जवाब देने वाला तकरीर आप सुनना है, वो जब तकरीर जवाब जब देते हैं तो उस वक्त उनको कैद के अंदर डाल लेते हैं। तो ये है मुसलमान के बारे में जो टोटल पिक्चर है समाज का। मैं बोलूँगा ये कैसे आ गया, एक बार जब एक कॉलेज में गए, एक गैर मुसलमान का हाथ में पकड़ के उन्होंने बोला अस्सलाम वालेकुम, मैं वालेकुम अस्सलाम से कहा, तो उस वक्त हमारा ही एक दोस्त ने, मुस्लिम दोस्त ने बाद में पूछा कि आप क्यों वो गैर मुस्लिम दोस्त के हाथ पकड़े और सलाम बोले, हाथ तो नहीं पकड़ना चाहिए, वो नजस है, इन्नमल मुशरिकून नजस, वो नजस है। दूसरी बात यह है कि आप कैसे जो है वो जब सलाम बोले तो आप जवाब दिए, हत्ता ही नहीं होना चाहिए था। तो मैंने बताया कि हाथ पकड़ना सिर्फ नहीं, इस्लामी समाज में ये लोग इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव होके जाता था, गवर्नर होके जो है सिर्फ हाथ पकड़ना नहीं सब कुछ करते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डॉक्टर बने थे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युल इस्लाम खैर, इस्लाम के सबसे खैर या क्या है या रसूल अल्लाह,
एक सहाबी आके पूछे रसूल से, अय्युल इस्लाम खैर, इस्लाम में सबसे अच्छा क्या है रसूल अल्लाह? तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब, قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت وما لم تعرف, दो चीज इस्लाम में सबसे जो है इंपॉर्टेंट है या इस्लाम में सबसे खैर है। एक ये है قال تطعم الطعام, जो भूखा है उन लोगों को खाना खिलाना, और وتقرا السلام, सलाम बोलना, على من عرفت وما لم تعرف, आप नहीं जानते कि ये मुसलमान है या गैर मुसलमान है, आप नहीं जानते ये बिहारी है या यूपी है या आंध्र प्रदेश का आदमी है, आप नहीं जानते ये आदमी जो है कौन सा जबान बोलने वाला आदमी है, आप नहीं जानते कौन सा मजहब का है। तमाम लोगों को आप जो है सलाम बोलिए, तमाम लोगों को आप सलाम बोलिए, ये जो है सिखाया गया हमें। मैं बोलूँगा कि मुसलमान जब गैर मुसलमानों से अपना जोड़ ख़त्म कर दिया, जब हम अपने हिस्टोरिक फॉर रीजंस पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, मुसलमान जो है अपना गलियों में बंद है, वी आर लॉक्ड इनसाइड अवर इनसाइड मुस्लिम गली, ये अगर हम तोड़ते हैं और आपस में एंगेज करना शुरू करते हैं, आप जानते हैं डिसएंगेजमेंट, मुसलमान डिसएंगेज होना, ये आज के दुनिया में जो मुसलमान को सब्जुगेट करना चाहते हैं, जो सप्रेस करना चाहते हैं, जो संगीज है, जो भी लोग हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान जो है डिसंगेज हो जाए, पूरा समाज से कट के रहे, और हम जो भी बोल रहा है वो समाज पूरा विश्वास करे, हम बोले वो ये है तो वो लोग विश्वास करेगा, क्योंकि सही जो ज्ञान है वो तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपस में मिलेगा नहीं कभी भी। तो ये जो एंगेजमेंट है, ये मुसलमान का दूसरी बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, जो सहाबा ने किया था, ये एंगेजमेंट पॉलिसी मुसलमान के अंदर जब भी नहीं बढ़ते तो तब मुसलमान के ऊपर जो जो एलिगेशन है वो मजबूत से ऊपर मजबूत होकर रहेंगे। तीसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा, बोल के मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि सेकंड पॉइंट से भी जोड़ के ये है कि मुसलमान का अव्वल तरीन जो जिम्मेदारी है वो दावत है। जब मैं बोलते हैं दावत है तो अक्सर लोग क्या करते हैं, दावत गैर मुसलमान के पास जाके जो है बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं है, हम जो है टेररिस्ट नहीं है, पहला सेंटेंस है कि हम वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर पीस लविंग पीपल, द वेरी नेम ऑफ इस्लाम, द वेरी नेम इस्लाम मीन्स पीस, इस तरीके से जवाब देना शुरू करते हैं। इस्लाम मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है दावत। दावत ये है कि इस्लाम क्या है, ये गैर मुसलमान को आप सिखाते हैं, उसका नाम है दावत। बाद में ज़रूर वो पूछेगा आपसे कि ये क्या है, ये क्या है, या तो फिर वो पहले ही पूछेगा आपसे कि ये मसला है, ये पहले सॉल्व कीजिए उसके बाद आप सुनाइए, तो हम सुनाना पड़ेगा, आप ज़रूर जवाब देना पड़ेगा। लेकिन दावत का असल मतलब ये है कि आप इस्लाम क्या है वो आप गैर मुसलमान के पास पहुँचाएं। नंबर टू ये है कि उनके जो गलत खामियाँ हैं उसको दूर करें। लेकिन मैं बोलूँगा दावत इससे ज़्यादा मजबूत एक दावत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा हमें सिखाया है, जो आपसे आपके ज़बान से नहीं होता, जो आपके कल्ब से होता है, जो आपका कल्ब से होता है, वही था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत, वही था सहाबा लोगों के दावत, वही था ताबेईन और तबाउ ताबेईन के दावत। कैसा था वो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलते हैं, उस वक्त एक लेडी जो कुरान में बताया गया आपसे सबसे ज़्यादा बगावत करने वाला यहूद, वो ज्यू लेडी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर पूरा कचरा इकट्ठा करके जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे ऊपर सर के ऊपर डालते थे। सोचिए हर दिन, एक दिन नहीं, सेकंड डे नहीं, थर्ड डे नहीं, हर दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से बाहर निकलते हैं तो उस वक्त ये लेडी ऊपर से कचरा फेंकते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर। लेकिन आप सोचिए अगर ये हाल आज के दुनिया में अगर होता तो वो लेडी के दो हाथ काट के फेंक देते। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लेडी को कुछ नहीं किया, ऐसा जो है वो पूरा हटा के आगे बढ़ते थे। एक दिन वो कचरा नहीं आ रहा है, एक दिन जो है कचरा नहीं फेंका जा रहा, उस वक्त किसी से पूछा वो लेडी कहाँ गए, तो बोले कि वो लेडी बीमार है। अच्छा, औरत बीमार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उनके घर में और उनके खैर खैरियत मालूम किए, उनके लिए दुआ किए, और उनके उसके बाद जब वापस आ रहे थे उस वक्त पीछे से वो लेडी बोल रहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये दावत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए नऊज़ु बिल्लाह एक आदमी
उमेर उमेर बिन दहब बोल के एक आदमी, उमेर बिन दहब एक आदमी असर नमाज के बाद कत्ल करने के लिए पीछे रो में बैठे हैं चाकू पकड़ के। इसके बाद जब सब लोग गला लगाएंगे उस वक्त चाकू से मारेंगे। लेकिन जब वो वहाँ बैठ के तमाम लोगों को देखे और सब लोगों को देखने के बाद वो ऐसा महसूस हुआ कि इसके पहले ज़िंदगी में कभी भी मैं ऐसा एक महफिल में बैठा नहीं जो सब लोग आपस में आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, सब लोगों का जो एटिकेट्स है, बिहेवियर है, जो अखलाक है, जो किरदार है, वो दुनिया में कहीं भी नहीं देखा मैंने। ये क्या समाज है। वो जब तकरीर ख़त्म हो रहा है उस वक्त सब लोग सुन रहा है एक लोहे का आवाज़, लोहे गिरने का आवाज़। तो इन्होंने उठ के बोला वो चाकू पे के, अशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। बिलाल एक नीग्रो स्लेव थे, वो नीग्रो स्लेव, उनको कभी भी कोई भी आदमी ने इज्जत नहीं दिया था, कभी भी उनके सामने मोहब्बत का एक नज़र नहीं उनके ऊपर चलाया था। एक दिन एक गोरा सा रेशियली सुपीरियर एक आदमी, जो देखते ही मालूम हो रहा है वो आदमी मेरे ऊपर देख रहे हैं, उन्होंने लिखा, उन्होंने ये चीज़ हदीस में बताया कि मुझ मेरे ऊपर देखा, मेरा मेरा आँख के आँख जोड़ के देखा। उस वक्त मैं सोचा कि किसी और को देख रहा है, तो मुड़ के देखा पीछे और कोई है, तो नहीं मुझे ही देख रहा है वो आदमी, जो देखने में रेशियली बहुत सुपीरियर दिख रहा है, गोरा सा है, अच्छा सा है, काला सा मुझसे जो है वो देख रहा है। कभी भी मैंने देखा नहीं ऐसा आदमी। वो आके सिर्फ देखा नहीं, मेरा करीब आए और उनके जो दाएं हाथ है वो मेरे सीने पे रखे। उस वक्त मैं अचानक मैंने बताया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये है असल में दावत, एक दावत जो आप बोलना ही नहीं पड़े, बोलने का भी ज़रूरत नहीं, वो आपके पास पहुँचे और जो आपके किरदार और आपके अखलाक और आपके समाज के ऊंचे वैल्यूज़ को देखते हैं, पूरा समाज के ऊंचे वैल्यूज़ को देखते हैं, तो बोलते हैं कि हाँ समाज को देखना काफ़ी है, हम इस्लाम कबूल करते हैं। आप जानते हैं इस्लाम कैसे हिंदुस्तान में आए? इस्लाम हिंदुस्तान में आए थे एक आदमी या कुछ चंद लोग, 12 लोग था वो। उसका नाम था क्या, क्या नाम था? कुछ चंद लोग थे, मोहम्मद कासिम नहीं। वो लोग जो केरला में आए थे 7th century में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा जब थे उस वक्त, हुजूर सल्लम जिंदा नहीं थे, तबाउत ताबीन थे हुजूर सल्लम के बाद, वो लोग आए यहाँ। आए सिर्फ नहीं, वो लोग बड़े बड़े जो है बॉक्स लगा के, माइक लगा के तकरीर नहीं किए कि ये जो है इस्लाम ये है, इस्लाम वो है, तकरीर नहीं किया था, बल्कि वो लोगों को ये समाज के जबान भी नहीं जानता था। मालिक बिन दिनार और उनके सहाबा, मालिक बिन दिनार और उनके सहाबा, ये हिस्ट्री को कभी बोलना नहीं। ये हिस्ट्री को हम अगर बोले तो कौन जो है इसको पकड़ के आगे बढ़ेगा? वही हिस्ट्री जो हमें सिखाया गया इस्लाम आया था मोहम्मद बिन कासिम से, ये हम अगर सीखते हैं तो कैसे इस्लामी समाज आगे बढ़ेगा? मैं पूछना चाहूँगा कि इस्लामी समाज यहाँ असल में बाहर से आए नहीं था, बल्कि यहीं के समाज बदल के हुआ था। इस्लामी समाज बाहर से आए नहीं था, बल्कि बाहर से आए हुए लोगों का किरदार और अखलाक दे के यहाँ के लोग जो है बदल के जो है मुस्लिम बना था, मुस्लिम समाज बने थे। मालिक बिन दिनार उसमें अव्वल दर्जे में है। वो आए और उन लोगों से पूछा कि आप लोग कैसे जन्म के आधार पर, पैदाइश के बुनियाद पर, आप क्यों एक आदमी सुपीरियर और एक आदमी जो है इंफीरियर कैसे होते हैं? आप सब लोग एक आदमी से आए हैं, वो उसका नाम आदम है। और ये जो लेडी है, आप जानते हैं जो सबसे इंफीरियर समझते हैं शूद्र और वैश्य, ये लोगों को लेडीज़ को अपना ब्रेस्ट कवर करने का आज़ादी नहीं था, वो खुल के रखना चाहिए ताकि वहाँ के ब्राह्मण्स उसको एंजॉय करें तमाम तरीके से। और जब ब्राह्मण्स चलते थे एक सड़क से, उस वक्त वो लोग एक आवाज़ निकालता था, वो आवाज़ सुन के वहाँ के तमाम शूद्र और वैश्य लोग वहाँ से हटना है, ताकि अगर नज़र में पड़े तो ये अशुद्ध बन जाएगा। जो बड़े जाति के लोग जो है नहाने वाला तालाब से अगर नीचे जाति वाला आदमी कोई अगर छू लिया तो वो पूरा तालाब के पानी को ख़त्म करके उसको शुद्ध बनाते हैं, अशुद्ध को हटाते हैं। ऐसा एक
जो हायरार्किकल सिस्टम, सोशल सिस्टम जहाँ प्रिवेलिंग था, वहाँ आके मालिक बिन दिनार बहुत सारे कपड़ा लेके बोला, ये ले ये कपड़ा, आप लोग अपना ब्रेस्ट कवर कर लो, आप सब लोग इंसान हैं, आप सब लोग आज से इंसान हैं, आप सब लोग, हम और आप एक एक जो है प्लेट में खाना खाएंगे, अलग अलग प्लेट नहीं, बड़े जाति के लिए एक प्लेट, छोटे जाति के लिए एक प्लेट। अगर पानी पूछते हैं तो बड़े जो है जाति के आदमी पानी फेंकते थे, उस वक्त बोले कि नहीं, हम जो है एक पानी एक ग्लास में एक जो है प्लेट में हम खाना खाएंगे। ये देख के बोले कि अच्छा, ये आपका आइडियोलॉजी है, ये आपका मजहब है, तो आप लोग महापिल्ला है, महापिल्ला, आज मापड़ा कहते हैं केरला के मुसलमान को, मापड़ा कहते हैं, मापड़ा कैसे बने, महापिल्ला, आप लोग ग्रेट मैन, यू आर ग्रेट मैन, यू आर ग्रेट मैन। वो लोग बोले आप बड़े इंसान है, क्या है ये, इसके पहले हम कभी देखा नहीं, आप लोग महापिल्ला है। उस वक्त मुसलमान के बारे में बोला महापिल्ला, और वहां के तमाम नीचे जाति के लोग मास, जैसे कुरान में बताया गया कि इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह वराइत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, जब कहते हैं बड़े क्लस्टर्स होके इस्लाम में दाखिल हुए, ऐसे बड़े क्लस्टर्स होके केरला के मुसलमान जो है नीचे जाति के लोग इस्लाम कबूल किए। इसीलिए आज भी नेशनल एवरेज से ज़्यादा 23% जो है मुसलमान केरला के अंदर मौजूद था। वो लोग सब लोग वहाँ तलवार चलाया इसलिए नहीं, कभी भी वहाँ तलवार नहीं चला, हिस्टोरिकली जो है आप जानते हैं कभी भी वहाँ तलवार नहीं चला, वहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान है। मैं बोलूँगा जब तक हम एंगेज नहीं करेंगे, जब तक गैर मुसलमान को हमारे कल्ब से, हमारा किरदार से, हमारा अखलाक से, कम अज़ कम आने वाले नया पीढ़ी, नया जनरेशन जो है ये वैल्यूज़ को ब्रॉडकास्ट नहीं करे, तब तक इस्लामी समाज जो है एक नया दुनिया, अलम तर कैफ लरबल्लाहु मसलन कलिमतिन तय्यिबा कशजरतिन तय्यिबा असलुहा साबितुन व फरुहा फिस्समा तुती उकुलुहा कुल्लु हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यद्रिबुल्लाहु लमसाल लिन्नास लअल्लहुम यतदक्करून। कुरान की आयत है जो पहले मैंने सुनाया था, ये पढ़ के मैं ख़त्म करता हूँ कि इस्लाम के शहादत कलिमतु शहादा एक बीज है, वो बीज ज़मीन के ऊपर डाला जाता है और वो बीज से जो है जड़, बड़े बड़े रूट्स ज़मीन के अंदर से अंदर चला जाता है और उससे जो स्टेम आ जाता है, उसका शिखर, उसके जो ब्रांचेस है वो पूरा आसमान में फैल जाता है और अल्लाह के इज़्ज़न से, अल्लाह के विल से तमाम लोगों को फ्रूट्स देते हैं, तमाम लोगों को फ्रूट्स देते हैं, तमाम लोगों को फ्रूट्स देने वाला एक बड़ा पेड़ है। आप जानते हैं पेड़ कभी भी मजहब दे के फ्रूट्स नहीं देते, पेड़ को, पेड़ के ऊपर जो है अगर आप पत्थर भी फेंके तो पत्थर पकड़ के वापस आपके ऊपर फेंकेगा नहीं, उस वक्त भी देगा आपको फल, ऐसा फल देने वाला। इदफा बिल्लती ही अहसन फइदल्लज़ी बैनका वबैनहु अदावतुन कअन्नहु वलीयुन हमीम, अगर ऐसा किए तो आप, आपके सबसे बड़ा शत्रु भी आपका आत्म मित्र बन जाएगा, आपके सबसे करीब वाला दोस्त बन जाएगा। ये जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी लेके अगर हम आगे बढ़ते हैं, मैं बोलूँगा ये तीन बुनियाद के ऊपर अगर जो है ये पूरा समाज, कम से कम नया पीढ़ी, नया जनरेशन अगर आगे बढ़ते हैं, तो मैं बोलूँगा गोल्डन पास्ट के ज़्यादा से ज़्यादा जो है बड़ा गोल्डन पास्ट या जो है प्लैटिनम पास्ट जो है प्रसर जो है फ्यूचर हम बन सकता है। यही बोल के मैं ख़त्म करूँगा। मैं बोलना चाहूँगा कि जो है ये बसीरत के साथ समझने वाला एक जो है समाज और आलमी उलमा कौम और एक बड़ा समाज जो है इस्लामी समाज पैदा हो, यही बात के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा। ये उठना, ये बैठना और ये सुनना, ये तमाम चीज़ अल्लाह जो है बड़ा से ज़्यादा अजर हमें अता फरमाए। अल्लाह या अल्लाह हमारा जो नमाज है, हमारा जो जिक्र है, हमारा जो औरात है, ये तमाम चीज़ें अल्लाह कबूल कर दे। अल्लाह रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व ग़फ़िर लना या ग़ाफ़िरल मुज़रिबीन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।